Era decente. Last video में बात कर रहे थे पैरालैक्टिक फ्लो पैरालैक्स के बारे में। तो पैरालैक्स होता क्या है? हम बात कर रहे थे कि हम डेली लाइफ में कई बार ऑब्जर्व करते हैं पैरालैक्स को। देखो आपने कई बार क्या किया होगा कि अगर आपके पास मान लो कोई दवाई है और आप उसको बंदूक टाइप की है और आपने एक टारगेट बनाया, ठीक है, और आपने उसको लेफ्ट आई से क्लोज करके राइट आई से देखा और फिर राइट आई को क्लोज करके लेफ्ट आई से देखा, तो आपको उसकी जो पोजिशन है वो अलग अलग दिखेगी, आपको उसकी जो पोजीशन है वो अलग अलग दिखेगी, इसी को क्या कहते हैं पैरेलेक्स, ठीक। तो पैरेलेक्स व्हाट इज द पैरेलेक्स? पैरेलेक्स इज द अपेरेंट शिफ्ट, पैरेलेक्स इज द अपेरेंट अपेरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन अब जो
जो ये एंगल बनता है दो डायरेक्शन के बीच में, इसको हम बोलते हैं थीटा, और ये थीटा होता है पैरेलेक्स एंगल, जिसको हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं, ये क्या होता था पैरेलेक्स या पैरेलेक्टिक एंगल या पैरेलेक्टिक एंगल। ठीक, और जो ये ऑब्जर्वर डिस्टेंस है, सॉरी ऑब्जर्विंग पॉइंट है, वो एल और आर के बीच जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं बेसिस। तो ये हो गया हमारा पैरेलेक्टिक एंगल और ये क्या होगा बेसिस। बेसिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्विंग पॉइंट, जहां से हम पहले यहां से उत्पन्न करते हैं, इसको यहां से उत्पन्न करते हैं, बिटवीन टू डिस्टेंस इसको बेसिस बोला जाएगा, और जो डायरेक्शन है दो के बीच की जो एंगल होगा उसको क्या बोला जाएगा पैरेलेक्टिक या पैरेलेक्स एंगल। ठीक, तो अब हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमें मून की डिस्टेंस मापनी है अर्थ से, अर्थ से मून की डिस्टेंस मापनी है। तो मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक, ये थोड़ा क्रम दिखाया है अर्थ को शो करने के लिए, और यहां पर मून है, ये जो पॉइंट है वो ये हमारा मून, ये मून और ये हमारा अर्थ। ठीक है, अब देखो मैं अर्थ पर बैठकर मतलब अर्थ से और मून को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरी जो पहली पोजिशन है मान लीजिए मैं यहां से यहां पर खड़ा होकर L पॉइंट मान लिया मैंने, अब जो ये पॉइंट L है यहां से मैंने इसको ऑब्जर्व किया। अब इसको ऑब्जर्व करने से पहले हम क्या करेंगे, हमें जो डिस्टेंस का मतलब जो डिस्टेंस का है वो दूर है, मून से भी काफी दूर है, अर्थ और मून की डिस्टेंस कंपेयर करें और उस स्टार को अर्थ की डिस्टेंस कंपेयर करें तो वो जो स्टार बहुत दूर है वो बिल्कुल ही परपेंडिकुलर है, मतलब जो हमारे बिल्कुल सर के ऊपर है। ठीक है, तो उसको हमें पहले नोटिफाई करना है और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर, है ना, कुछ स्टार है बहुत दूर। ठीक है, तो वो जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर होगी और बिल्कुल बिल्कुल सर के ऊपर। ठीक है, अब उसको नोटिफाई करने के बाद मैंने क्या करना है, देखो इसको पहले को ये डिस्टेंस मान लो, पहले हमारे पास एंगल को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तो मान लीजिए ये जो एंगल है कितना है 90 डिग्री। ठीक, अब ये एंगल 90 डिग्री का हो रहा है, इसके लिए ओ स्टार है जिसको तो हमने नाम दे दिया एक स्टार है वो दूर है, इसको नाम दे दिया हमने एस डैश। ठीक, ये एक स्टार है बहुत दूर है और बिल्कुल ही हमारे सर के ऊपर है परपेंडिकुलर। अब इसको ऑब्जर्व करने के बाद हमने जो एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको घुमाया और उसको मून की डायरेक्शन में लेके आया। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी मून की डायरेक्शन। ठीक है, अब जो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो एंगल मेजर कर रहा है वो हमें बता देगा कि ये एंगल कितना है, बता देगा कि उसके जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिस्टम कितना रोटेट हुआ है उसी हिसाब से हम एंगल निकालेंगे, इसको हमें नाम देते हैं। ठीक है, अब देखो अब इसलिए जो ऑब्जर्वर था इसने आपने क्वेश्चन चेंज किया और ये दूसरी क्वेश्चन को यहां जाकर किया एल और आर, ये एल थी इसकी ऑड पोजीशन, ये क्या है इसकी इवन पोजीशन। अब जब ये जो डिस्टेंस है ये आर्क पर जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बहुत कम होगी, बहुत कम होगी डिस्टेंस, इसकी लेंथ जीरो से टेंजेंट पर बहुत कम होगी। तो अब देखो अगर ये ऑब्जर्वर यहां तक खड़ा होगा तब भी इसको ये जो स्टार है ये बिल्कुल ही परपेंडिकुलर होगा, आप देखते होंगे कि कोई स्टार है ना, रात को कोई स्टार है, आप अगर यहां पर खड़े हो स्टार को देख रहे हो और फिर आपको डिस्टेंस दे रहे हो तब भी आप फील होगा कि वो स्टार देख रहे हैं, है ना। तो अब भी ये जो स्टार है ये आपको परपेंडिकुलर ही लगेगा, यहां पर आप क्वेश्चन को खड़े होने के बाद भी ये जो स्टार है ये आपको परपेंडिकुलर ही दिखेगा। ठीक है, अब इसके इसको नोटिफाई करने के बाद आपने क्या किया है उस इंस्ट्रूमेंट को घुमाया और इसको इस डायरेक्शन लेके आया। ठीक है, और ये एंगल आपने मेजर कर लिया, इसको नाम दे दिया हमने थीटा 2। ठीक है, तो थीटा 1 थीटा 2 हमने इसलिए मेजर कर लिया। ठीक, अब बात सुनो, अगर इसको देखिए एक यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो देखो बात सुनो, ये जो थीटा 1 होगा उतना ये होगा थीटा 1 और ये जो थीटा 2 है जो ये एंगल है वही एंगल ये होगा थीटा 2। ठीक है, बिकॉज दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, अब इस जो थीटा 1 थीटा 2 है इसको कोलैटरली हमने एक नाम दिया थीटा 1 प्लस थीटा 2।
थीटा टू इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, थीटा वन थीटा टू, थीटा वन प्लस थीटा टू हमने नाम दे दिया थीटा। और इन जो ऑब्जर्वर पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिस, तो इस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया बी, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस है देखो इस पोजीशन से मूल डिस्टेंस और इस पोजीशन से मूल डिस्टेंस उसको हमने नाम दे दिया बी, और ये डिस्टेंस भी क्या रहेगी, बी रहेगी, ठीक है। ये पोजीशन क्या रहेगी, बी, और ये इसको हमने क्या नाम दिया, बी, ठीक है। ये एंगल थीटा वन थीटा टू है तो हमने कलेक्टिवली इनका नाम कर दिया। अब अगर देखिए तो जो D है दैट इज वेरी वेरी लार्ज देन B, भाई जो आज की मूविंग की डिस्टेंस है और ये जो बेसिस है टू ऑब्जर्विंग पॉइंट की जो डिस्टेंस है उनको कंपेयर करने के लिए डिस्टेंस बहुत बड़ी है, जो D है दैट इज वेरी लार्ज, तो जो D अपॉन में B होगा या फिर B अपॉन में B होगा दैट विल बी वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक, सही हो ये बात, D है वो बहुत बड़ा है B से, तो जो B अपॉन D होगा दैट विल बी वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक। अब बात सुनो, आपने जब प्लेन एंगल पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि जो थीटा है ना वो जो एंगल है वो क्या होता है, रेशियो होता है किसका, आर्क का, आर्क का जो आर्क उस एंगल को सेंटीमीटर पर बढ़ा रही है और रेडियस का रेशियो होता है, पढ़ा था तुमने। जैसे मान लीजिए ये सर्कल, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और एक आर्क नाम दिया हमने ए और बी, तो जो ये आर्क एंगल बना रही थी इस सेंटर के ऊपर, इस सेंटर के ऊपर ये जो आर्क है ए बी ये एंगल बना रही थी थीटा, तो जो थीटा होगा वो क्या होगा, ए बी अपॉन में रेडियस, ये हो गया ना आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, ठीक है। अब इसी का हम यूज करेंगे, देखो बात सुनो, देखो अब इस केस में, तो इस केस में मून आर्क वाले सिस्टम में हमारे पास क्या है, जो ये AB है, ये जो AB है देखो ये जो डिस्टेंस है ये आपको लग रही है, ये जो डिस्टेंस है वो ये है ना, ये तो एक लीनियर डिस्टेंस है, ठीक। लेकिन अगर आपकी, अब आपकी आर्क है, आपकी जो आर्क है वो बहुत छोटी है बाजी, पहले AB ये था, अब आपकी जो आर्क है ये सेंटर है, ये O क्या है सेंटर है, और जो AB है आपकी वो बहुत छोटी है, तो AB आपको, अब ये पॉइंट A ये है और B पॉइंट ये है, तो आपको जो AB है वो लीनियर लाइन की होगी, एक लाइन की होगी ना इसी तरह, ठीक है। तो अब इस केस में देखें तो जो D है वो B से बहुत बड़ा है, इसी प्रकार यहाँ पर जो R है, यहाँ पर जो R है वो AB से बहुत बड़ा है, ठीक है, सिमिलर केस बन रहा है। तो इस केस में जो AB है वो क्या रिलेटेड है, ये जो B होगा वो क्या होगा, एक लाइन निकल होगा। तो अब हम इसको, इस B को, इस डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड R को एक आर्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। अब इसको आर्क मानकर, मान लीजिए इसको आर्क मान लिया हमने, इसको आर्क मानकर और इस D डिस्टेंस को हमने रेडियस मानकर एक सर्कल इंजन, एक सर्कल इंजन किया है जिसकी, जिसकी रेडियस कितनी है, डी, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, जो आर्क लेंथ है वो क्या है। तो अब जो एंगल होता है, एंगल इन रेडियन, थीटा इन रेडियन, दैट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, ये होता है। तो इस केस में क्या होता है, वो इस केस में जो थीटा है वो क्या है, थीटा प्लस थीटा, और जो आर्क है, आर्क लेंथ वो क्या बी है, और जो रेडियस है वो क्या डी है। हमने इसको आर मानकर और इसको रेडियस माना है, और इस जो मून की जो पोजीशन थी वो, इसको हमने मान लिया सेंटर, इसको सेंटर माना है, इसको रेडियस माना है और इसको आर माना है, और हमने एक सर्कल को इंटेंड कर, ये एक सर्कल बन गया, ठीक है। और इस सर्कल में जो थीटा होगा दैट विल बी द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस, तो आर्क लेंथ कितनी है बी, आर्क लेंथ कितनी है बी, और रेडियस कितनी है भाई, रेडियस है आपकी बी अपॉन में डी, और थीटा किसमें होगा कितना चला है
हम ये डिस्टेंस को माप सकते हैं, हम क्या नहीं माप पा रहे थे, हम ये डिस्टेंस ही माप पा रहे थे, तो हमने थीटा मेजर किया और ये बी मेजर किया, तो इसकी सहायता से हमने क्या, जो मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है उसको हमने मेजर किया।